दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महानतम कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फाइनल मैच में टीम इंडिया की हार पर पूरा हिंदुस्तान गुस्से से बौखलाया हुआ था, तो वहीं अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी टीम इंडिया का सपोर्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया को न केवल बेईमानी बताया बल्कि दोबारा मैच कराने की ICC से अपील करने लगा। तो आखिरकार क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज केविन पीटरसन, धोनी से लेकर शोएब अख्तर तक ने फाइनल मैच पर क्या कुछ कह दिया अपनी राय, लेकिन वो रिकी पोंटिंग ने ऐसा क्या भड़काऊ बयान दे डाला जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इन सभी के बयान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतरीन कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 19 नवंबर को दुनिया को ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन मिल गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत को कड़ी शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। टॉस गंवाकर पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया ने 50 ओवर में ऑल आउट होकर केवल 241 रन का टारगेट सेट किया। जवाब में उतरे मार्नस, लेबुशेन और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी और अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया की यादगार जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया। हर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, स्टेडियम में तो मानो मातम सा माहौल छा गया हो, खिलाड़ियों की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा तो आंसुओं को पहुंचते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर निकल पड़े, साथ ही साथ विराट कोहली की भी आंखें नम नजर आ रही थी। सिराज तो फूट फूट कर रोने लगे थे, भारतीय दर्शकों का उम्मीद टूट चुकी थी, हर एक दर्शक की आंखें नम थी। वहीं कई दुनिया भर के दिग्गज भी टीम इंडिया की हार पर निराश थे, लेकिन रिकी पोंटिंग ने ऐसा जहर उगला जैसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान हैरान हो गया। तो चलिए अब आपको इन सभी दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं। दोस्तों क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने नमाखों से बयान देते हुए कहा कि मुझे टीम इंडिया की हार पर भरोसा नहीं हो रहा था, जब बेईमानी का पता चला तो मेरा दिल टूट गया। रोहित शर्मा आउट नहीं थे, ट्रेविस हेड ने उनका कैच छोड़ दिया था, ये एम्पायर की बहुत बड़ी चूक है। इतने बड़े टूर्नामेंट में एम्पायर इतना गलत डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ICC को बड़ा एक्शन लेना चाहिए और फाइनल मैच दोबारा कराना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने भी बयान देते हुए कहा टीम इंडिया फाइनल मैच हारने के बाद रोना रो रही है, कोई बेईमानी नहीं हुई है, हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन और कड़ी मेहनत करी तब जाकर हम लोगों ने खिताब को जीता, ICC को कोई भी दोबारा मैच नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर भी टीम इंडिया की हार पर नम आंखों से बयान देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ICC इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बेईमानी करेगी, रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दिया गया जिसके कारण टीम इंडिया के लिए यह हार का टर्निंग पॉइंट बन गया, ICC को दोबारा मैच जरूर कराना चाहिए, साथ ही अंपायर पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी रोते हुए बयान देने लगे, ऑस्ट्रेलिया अपनी शर्मनाक हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला है, वो हमेशा बेईमानी पर तुला रहता है, रोहित शर्मा को गलत आउट देकर मैच का पूरा रुख बदल दिया, ICC को जरूर एक्शन लेना चाहिए और दोबारा फाइनल मैच कराना चाहिए। इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी भारत की हार पर भावुक होते हुए बयान दिया कि मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि टीम इंडिया कैसे अपनी ही सरजमी पर फाइनल मैच गवा दी, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तब तो मेरे होश ही उड़ गए, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी बेईमान टीम है। फाइनल मैच में ट्रेविस हेड ने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया, ICC को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए और फाइनल मैच दोबारा करना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से दिग्गजों ने भारत की हार पर निराश होते हुए ICC से दोबारा मैच करने की अपील भी कर दी, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है विराट कोहली और मोहम्मद शमी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिलना चाहिए था, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम आपको उनके बयान के बारे में सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा है। BCCI अध्यक्ष जय शाह ने ICC से गुहार लगाते हुए बयान दिया कि मैं अपनी प्यारी टीम इंडिया की हार पर बहुत निराश हूँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैं तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे इस खेल की पूरी सच्चाई पता चली तो मेरे खून खौल उठे, ICC को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अंपायर पर जांच बैठाया जाए और उन्हें दोषी पाने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना और जेल की सजा देनी चाहिए। इतना ही नहीं जय शाह ने आगे भी कहा कि ICC को विश्व कप 2023 का फाइनल मैच दोबारा करना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम इंडिया इस बार का खिताब जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसके साथ गलत हुआ, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इतनी बड़ी गलती अंपायर कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट में मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ICC इस पर तुरंत एक्शन ले और दोबारा फाइनल मैच करवाए। दोस्तों देखा आपने कैसे जय शाह का भी गुस्सा ICC पर फूट पड़ा, लेकिन अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महानतम कप्तान, नीचे अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे में अब खुद ट्रेविस हेड ने आगे आकर भारत से माफी मांगते हुए बड़ा बयान जारी कर दिया है कि आज मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के छठे खिताब के जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हूं, इस मैच में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप में एक बार फिर से चैंपियन बनने का कार्य किया, इसमें जीत के साथ हमारी टीम में फिलहाल T20 वनडे और टेस्ट में बादशाहत कायम कर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है।
इस टूर्नामेंट के अंदर हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसका परिणाम आज हमारे पक्ष में हुआ है। हालांकि हमारी टीम ने भारत को हराया है, जो टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम थी। भारतीय टीम ने हमसे काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम ने हमें काफी ज्यादा चुनौती दी थी, लेकिन हम उस चुनौती को पार करने के साथ अपने नाम मैच कर चुके हैं। इस मैच में जीत के साथ हमने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। हालांकि भारत की हार के साथ लग रहा है कि रोहित शर्मा से बदनसीब कप्तान इस समय दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी मैच भारत के पक्ष में कराए थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर मेरे कैच की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको लेकर मैं कहना चाहूंगा कि शायद मैंने गलत तरीके से कैच पकड़ा है, और मेरा सही तरीके से कैच न पकड़ना भारत के लिए काफी बड़ी दिक्कत पैदा कर गया। हालांकि मैच में अब कुछ भी नहीं हो सकता, और जो कुछ भी गलती मेरे द्वारा है उसके लिए मैं अभी सभी भारतीय प्रेमियों से माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है भारत अगली बार काफी बेहतर प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, वनडे विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम से जीत की उम्मीद करोड़ों भारतवासियों की थी, लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच को गवा दिया, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम छठवीं बार चैंपियन बन गई। हालांकि मैच में चैंपियन बनने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान आधा स्टेडियम भारत के निराश प्रदर्शन को देखकर घर लौट गई। वहीं जब एम्पायर को मेडल दिया जा रहा था तो ग्राउंड ने रिचर्ड के आने पर हुटिंग कर दी, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कैच 10 ओवर में ट्रेविस हेड ने पकड़ा, जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। ऐसे में रोहित शर्मा के साथ हुई बेईमानी को देखकर चारों तरफ से एम्पायर की खराब एम्पायरिंग के साथ निराशा का माहौल पैदा हुआ। इस बीच वर्ल्ड कप विजेता टीम के तमाम कप्तानों ने बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें 2019 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इयान मॉर्गन ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा से ही बेईमान टीम के रूप में पहचानी जाती है। इस वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बेईमान टीम के रूप में जानी गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है नहीं तो, लेकिन अंपायर की मिलीभगत के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल मैच में शानदार तरीके से जीत हासिल की है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को गलत तरीके से अंपायर के साथ मिलकर आउट करने में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया बेईमान टीम है। वहीं 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का कैच काफी खराब तरीके से पकड़ा है, जो क्लियर कैच नहीं था, ऐसे में मुझे लगा कि रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दे दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है, लेकिन अंतिम मैच के अंदर रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट करवा कर उन्होंने सभी का दिल तोड़ा है। रोहित शर्मा का कैच अगर एम्पायर उस समय नॉट आउट का नतीजा देते तो शायद भारतीय टीम वर्ल्ड कप को अपने नाम कर सकती थी। वहीं 1992 के वर्ल्ड कप कप्तान इमरान खान ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा बेईमान टीम के रूप में जानी जाती है। उन्होंने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को भी फाइनल मैच में बुरी तरीके से हराया था, जिसके बाद अब मुझे लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी अपने दम पर मैच नहीं जीतती, बल्कि एम्पायर या किसी दूसरे कारण के चलते मैच को अपने नाम कर पाती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल मैच में रोहित शर्मा को जिस तरीके से आउट किया गया वह काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि रोहित शर्मा का कैच खिलाड़ी हेड ने सही तरीके से नहीं लिया, जिसके चलते एम्पायर ने भी ध्यान नहीं दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफी बड़ा फायदा मिला और भारतीय टीम को इसका काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ बेईमानी के चलते जीत हासिल की है। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा का विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन जब बाद में पता चला कि रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट किया गया है तो मैं काफी ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि रोहित शर्मा को इस तरीके से आउट कर देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा को गलत तरीके से निर्णय लेकर आउट किया गया, इसके अलावा इसका नुकसान भारत को पहुंचा है, तो ऐसे में अब आने वाले समय में हर कोई ध्यान रखेगा कि भारतीय टीम को वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी के चलते हराया है। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए समय और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप तीन बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया की जबर से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गवा बैठा, लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकल कर सामने आई है। ज्यादा फसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकल कर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। दरअसल विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यार को डालकर मार्गनस लाबुशाने को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा, जो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते, एक बार फिर उन्होंने इसे नॉट आउट दिया। यहां तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस का इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर्स कॉल्स की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपना विकेट गंवाना पड़ा था। तब ऑस्ट्रेलिया का नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया। अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और वह साफ तौर पर आउट हो जाते, लेकिन अंपायर ने यह खुलेआम हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूट पड़ना
लाजमी था। यह घटना भी इस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। ऐसे में जब ICC की नजर इस मुद्दे पर पड़ी तो उन्होंने इसे बारीकी से जांच की। टीम इंडिया और भारतीय फैंस तो इसका पहले से ही इस हरकत के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे और अब ICC खुद इस मुद्दे पर कूद पड़ी है। अब ICC के फॉर्मर चीफ डेविड रिचर्डसन ने बयान दिया, मैंने हमेशा ही भारत का साथ दिया है और मैं जानता हूँ कि भारत हमेशा एक ईमानदार टीम रही है। टीम इंडिया ने आज तक किसी भी मामले में बेईमानी नहीं की, खासतौर पर ऐसे किसी बड़े टूर्नामेंट में, लेकिन जब कोई भी टीम आपसे बेईमानी करके जीते तो आपका पूरा अधिकार होता है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और भारत ने बिल्कुल सही किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो बेईमानी फाइनल मुकाबले में की है और रिचर्ड कैटलब्रा जिन्होंने उनका साथ दिया बिल्कुल गलत था, और अब उन सबको परे हटकर हम सभी फॉर्मर ICC चीफ की बैठक बुलाई गई थी और इतिहास में पहली बार यह फैसला लिया जाना था कि इन दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला दोबारा होगा या नहीं।